नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम टेक्निकल पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं फ़ोन को रीसेट कैसे करें। फ़ोन को रीसेट करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? जब हमारा फ़ोन कहीं ना कहीं हैंग करता है, या फिर हमारा फ़ोन लॉक हो जाता है, या फिर हम फ़ोन को कभी कभी बेचना चाहते हैं और हमारे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स या फिर ईमेल आईडीज़ वगैरह उसमें एक्टिव होती हैं, तो हम उसे क्लियर करके देते हैं फ़ोन सामने वाले को, ठीक है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो या सामने वाले कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब बात आती है फ़ोन को रीसेट कैसे करें। तो दोस्तों, मैं फ़ोन को रीसेट करना आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको वीडियो क्लास तक बने रहना है। ऐसा ना हो कि मैं बीच में ऐसी कोई जानकारी दूं और आपको ना पता हो, फ़ोन रीसेट करने के बाद आपको समस्या आ सकती है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके वीडियो के नीचे यहाँ पर एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर घंटी नज़र आएगी, घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दिया होगा। दोस्तों, फ़ोन को फॉर्मेट करने से पहले आपको एक बात को कंफर्म कर लेना है कि आपके मोबाइल में जो जीमेल आईडी एक्टिव है उसका पासवर्ड आपको पता है कि नहीं पता है। क्योंकि जब आप फ़ोन को फॉर्मेट कर देते हैं, उसके बाद जब आप फ़ोन को ऑन करते हैं, आपका फ़ोन ऑन होता है तो वहाँ पर आपका पासवर्ड मांगता है जीमेल का। तो अगर आपका जीमेल पासवर्ड मालूम है तब तो ठीक है, आपका फ़ोन ओपन हो जाएगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो आपका फ़ोन जो है लॉक हो जाएगा, आपका फ़ोन फिर आपको सर्विस सेंटर पर ही ओपन होने वाला है, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ उससे आपका फ़ोन भी फॉर्मेट हो जाएगा और आपका फ़ोन लॉक भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपने सेटिंग पर जाते हैं। सेटिंग में आएंगे, सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा सर्च बार, यहाँ पर देख सकते हैं सर्च बार ये है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे गूगल। इस तरह से जब आप गूगल टाइप कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा अकाउंट एंड सिंक, गूगल अकाउंट एंड सिंक अदर, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक कर जैसे कर देंगे उसके बाद आपके सामने जितनी भी जीमेल आईडी आपके फ़ोन में एक्टिव होंगी सभी की सभी आपके सामने दिखाई देंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक करके सभी जीमेल आईडी को डिलीट कर देना है यहाँ से। आप डिलीट कैसे करना है अभी आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको एक जीमेल आईडी पर क्लिक करना है, किसी भी जीमेल आईडी पर। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे एक मोर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिमूव एक बटन होगी, यहाँ पर देख सकते हैं रिमूव अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोबारा रिमूव अकाउंट करेंगे, देख सकते हैं, और आपका अकाउंट आसानी से डिलीट हो जाएगा, यानी आपका जीमेल आपके फ़ोन से हट जाएगा। इस तरह से एक एक करके सभी जीमेल आईडी को हटा देंगे। तो दोस्तों, जीमेल आईडी को डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा सर्च बार में टाइप करना है, यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है बैकअप एंड रिस्टोर, यहाँ पर लिखेंगे बैकअप जैसे बैकअप लिखेंगे देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने बैकअप एंड रीसेट करके एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा या आपको फैक्ट्री रीसेट करके नाम से होगा या फिर आपको इरेज ऑल डाटा दिखाई देगा, इस तरह से देख पा रहे हो आप। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो है ये देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पर रीसेट फ़ोन लिखा रहेगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका पैटर्न मांगेगा, जो आप पैटर्न लगा कर रखेंगे उसको डालेंगे या पिन पासवर्ड जो भी होगा आपके फ़ोन में एक्टिव उसको डालेंगे। उसके बाद आपका फ़ोन पूरी तरह से इरेज हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा और आपका फ़ोन कुछ ही समय के बाद देखेंगे कि आपका फ़ोन जैसे नया आप लिए थे उसी तरह से आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करें यहाँ पर, ठीक है, लाइक करें और चैनल वीडियो को शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।